क्या आप इस गाड़ी पर कभी बैठे हो? और क्या आपको पता है कुछ दिन के बाद ये गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा? पर क्यों? क्योंकि इसका अल्टरनेटिव आ चुका है और उसे बुलाते हैं टोटो। वो था ऑटो, यह है टोटो। हालांकि कुछ दिन पहले मैं एक शहर गया था, वहां पर जाके मैं ऑटो ढूंढने लगा, लेकिन एक भी ऑटो मुझे देखने को नहीं मिला। जहाँ पर देखा तो सिर्फ टोटो ही टोटो। पर सिर्फ टोटो ही क्यों, ऑटो क्यों नहीं? क्योंकि यह है इलेक्ट्रिक से चलने वाला रिक्शा हो, जिसको 1990 पे नीमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया था, कि 2011 में पॉपुलर होने लगा और आज ये ऑटो से भी सस्ता, फ्यूल सेविंग, कम पॉल्यूशन और लो एमिशन और शानदार स्टाइल के लिए पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो फिर इसका यूज क्यों ना बढ़े? और अगर आप इस पे बैठे हो तो फिर जरूर कमेंट करना।